हेलो एंड वेलकम बैक अगेन गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू गेम प्ले एपिसोड के अंदर, जहां पर मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूं गाइस राब सर्वाइवल को। जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो, मैं एक छोटा सा आइलैंड के ऊपर आकर रखा हूं और तुम लोगों को एक बढ़िया सा चीज आज दिखाने वाला हूं, जो की है ये देख पा रहे हो, मैं मेरा राब को पूरा का पूरा डिजाइन कर चुका हूँ जैसे की तुम लोग देख पा रहे हो। और ये हमारा फाइनल टच है जहाँ पर हम एक एक करके सारे चीजों को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, इंजिन वगैरह, बोर्ड इंजिन वगैरह सब कुछ लगाने वाले हैं इस राफ्ट के अंदर ही, ठीक है ना। और फाइनली हमारा डिजाइन तो कंप्लीट हो चुका है, मैं यही डिजाइन सोच के रखा था याच टाइप का। और जैसे ही तुम लोग देख पा रहे हो भाई कैसा हुआ है बताना मेरे को जरूर, और अगर मैं तुम्हें ऐसे दिखाऊं तो देख सकते हो भाई क्या ही लग रहा है राफ्ट को भाई, पूरा पूरा का पूरा याच का लुक दे दिया है हमने गाइस राफ्ट को। और मैं इधर से एक पिक्चर क्लिक करना चाहता हूँ इसका भाई साहब, जैसे देख पा रहे क्या ही लग रहा है भाई राफ्ट का। मैं अंदर से दिखाऊंगा, अंदर से कुछ भी नहीं है, जो डिजाइन है वो सारे ऊपर से, अंदर मैंने कोई भी डिजाइन वगैरह नहीं किया हूँ। और अभी थोड़ा सा इस आइलैंड पे आया था तो इस आइलैंड को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं गाइस, क्योंकि हमें चाहिए वुड वगैरह तो है अभी हमारे पास में, क्योंकि मैं ऑफलाइन में बहुत सारे वुड वगैरह का मतलब काम किया था तो इधर उधर सारे चीजों को ढूंढा था। तो आस पास में देख लेता हूँ कि क्या बोलते हैं वाटर मेलन वगैरह कहाँ पर है, और ये मिल गया मेरे को वाटर मेलन, इधर थोड़ा इधर थोड़ा एक एक करके मिलने जा रहा है। और ये वगैरह मैंगो स्ट्री वगैरह नहीं चाहिए मेरे को, जो चाहिए है अभी पता है गाइस क्या चाहिए, गाइस चाहिए मेरे को ये वाला चीज। और यार खाने का दिक्कत हर टाइम भाई की, खा लिए खा लेते हैं, मेरे को इसका चीज का मतलब क्ले का बहुत ज्यादा जरूरत है भाई, क्ले बहुत ज्यादा क्ले। और ये क्योंकि हमें फर्नेस रूम बनाएंगे हम, ठीक है ना गाइस, उसमें बहुत ज्यादा क्ले का जरूरत पड़ने वाला है, क्ले और सैंड का, इसलिए मेरे को ये सारे चीजों को मैं अभी इकट्ठा कर रहा हूँ, ठीक है ना गाइस। और पता नहीं शार्क का भाई साहब कहाँ चला गया, बड़े तेड़ी बहन पे आ गया, बताते बताते आ गया भाई शार्क, तो भाई पीछे से अटैक सारी ऐसी तैसी खाई कि हमारा बोट मतलब बोट तो नहीं, ये राफ्ट बिल्कुल सामने ही है इसलिए ये आ जा रहा है तुरंत ही। मैं थोड़ा सा फिर से चल के देख लेता हूँ कहाँ पर क्या है भाई, बहुत सारे चीजें हैं मैं इधर से देख पा रहा हूँ, मेरे को क्ले चाहिए। अरे इसकी ऐसी तैसी भाई, मेरे को क्ले चाहिए यार, इसकी इसकी डंडा भाई यार आ गया था ना पीछे पीछे यार, मिल तो गया है क्ले 7 मिल गया है, हम लोगों को जाना पड़ेगा उसी रास्ते से, तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है अभी क्योंकि हेल्थिंग बहुत ज्यादा कम है भाई। हम तो यार तुम देख पा रहे हो कितना बड़ा राफ्ट है, ये ऊपर से छोटा सा लग रहा था लेकिन बड़ा तो बहुत ज्यादा है राफ्ट। और परमानेंट एंकर हमने लगा के रखा है तो अभी निकल देते हैं एंकर को। और इधर देख पा रहे हो बहुत सारा चीजें कलेक्ट होकर रखा है तो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ सारे के सारे चीजों को, देखते हैं कितना आ सकता है हमारे बैग के अंदर, फुल्ला हो जाए बैग भाई साहब। लेकिन बैग पूरी तरीके से एम्प्टी था तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, और खाने का ये तो भाई क्या गिर गया पता नहीं भाई, भाई कैटफिश गिर गया भाई, कैटफिश गिर गया। और यार खाने का ऐसी दिक्कत है भाई, ये गिरना नहीं चाहिए था यार, क्या बताओ कितना दिक्कत है भाई। जैसे ही देख पा रहे हो मैं बहुत सारा इकट्ठा करके रखा हूँ गाइस, और इधर भी देख सकते हो बहुत सारा लीव्स भी हमारे पास है। और फिलहाल मैं इस साइड से इधर के लिए रखा था, हाँ के लिए इधर है, और सैंड भी इधर ही रख देते हैं क्योंकि सैंड भी इधर ही रहना चाहिए था हमारा। और पोटैटो और कुछ थोड़ा बहुत कैट फिश भाई क्योंकि हो गया ना, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत लगा मेरे को भाई, खाने के लिए दिक्कत हो जाएगा गाइस, अभी ये खा लेते हैं क्या कर सकते हैं अभी। और हमें मछली पकड़ने का छिप भी बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास दिक्कत हो गया है गाइस। फिलहाल हमारा इधर तो एक एक करके चीज़ें लगना स्टार्ट हो चुका है और हमारा राफ्ट अभी बढ़ना स्टार्ट कर चुका है मैं अगर तुम्हें दिखाऊं तो। और ये देख पा रहे हो आगे की तरफ बढ़ रहा है तो बहुत तेजी से भाई, बहुत बड़ी राफ्ट है। और आज के इस वाले एपिसोड में मैं तुम लोगों को यही दिखाने वाला था, और अंदर अंदर बहुत अंदर बाहर का बहुत ज़्यादा काम करना था मेरे को,
जैसे कि देख पा रहा हूँ ये वाला एरिया पे मैं सोचा हूँ अंदर वाला जो एरिया है ये वाला एरिया पे हम लोग गाइस एनिमल्स को पालने वाले हैं। ये बहुत बहुत बड़ी एरिया है तो इसमें एनिमल्स वगैरह पालेंगे और साथ ही साथ अब से चैप्टर का शायद से चैप्टर चैप्टर का कहाँ से आता है भाई ये नहीं चैप्टर वाला मेरे को याद नहीं आ रहा है कि चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता था। इधर से नहीं भाई कौन सी पे चैप्टर हाँ भाई तो ये देख पा रहे हो गाइस अभी हम लोगों को जो चीज़ें था वो हमारे पास तो आ चुका है। जैसे कि हमें मछली वगैरह पकड़ना दिखाया था हमें तो एक एक करके चैप्टर को जैसे ही कंप्लीट करते हुए जाएंगे गाइस तो ऐसे ही हमें चैप्टर के ये मिलता जाएगा। और अभी मेरे को अगले वाले एपिसोड के अंदर हम लोग गाइस क्या करने वाले हैं मैं बता देता हूँ। अगले वाले एपिसोड के लिए मेरे को अच्छी तैयारी करना है मछली वगैरह पकड़ के इधर डालना है और मैं बताता हूँ अगले वाले एपिसोड में क्या करने वाले हैं। इधर देख पा रहे हो ये जगह बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और एक लग गया भाई दिक्कत है भाई इतनी तरीके से दिक्कत होकर रखा है। ये जो जगह बहुत ज़्यादा बड़ी होकर रखा है इधर मैं लगाने वाला हूँ हमारा रिसीवर और ये को और ये वाला है एरिया को मैं स्टोरेज रूम करने का सोचा हूँ। ठीक है ना गाइस बहुत सारा स्टोरेज रूम मतलब चीज़ें रखने के बाद स्टोरेज बनाएंगे और ये जगह मैं पूरी तरीके से खाली कर दूंगा। और फार्नस जो है फार्नस मैं पूरी तरीके से ना इधर नहीं रखूंगा फार्नस को ऊपर पे लेके जाएंगे एक साइड को फार्नस रहेगा और ये नीचे वाला हिस्सा मैं पूरी तरीके से क्लीन कर दूंगा। और मैं बताता हूँ देख पा रहा हूँ मेटल देख पा रहा हूँ बहुत सारा जब इकट्ठा करके रखा हूँ बहुत सारी चीज़ें मैं इकट्ठा करके रखा हूँ ऑलरेडी जैसे कि देख पा रहे हो गाइस। और मेरे को अभी मेन चीज़ काम ये करना है कि मेरे को खाने के लिए एक ये बनाना है मेटल का ये जो है ये बनाना पड़ेगा। बोल्ट हमारे पास है कहाँ रखा था मैंने क्या मैं ये रहा एक और रोप चाहिए रोप भी हमारे पास है एक रोप चाहिए रोप का तो दिक्कत है ही नहीं गाइस क्योंकि हमारे पास रोप तो हमारा बन ही जाएगा जितना चाहे उतना मर्जी बन जाएगा रोप कितना चाहिए था एक छीप बन चुका है गाइस। और थोड़ा सा ये खा लेते हैं जिससे कि हमारा थोड़ा सा काम बन जाए और मेरे को इधर देना है और एक मछली खाना। अरे यार अभी तो नहीं कर सकते तो पकड़ने के बाद ही कर सकते हैं गाइस दे सकते हैं पकाने के लिए दिक्कत उधर है तो बड़ी वाली ठीक है ना तो ये एक अरे आते ही कैटफिश मिल गया भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ हो गया गाइस आते ही कैटफिश मिला है हम लोगों को गाइस। और तो मैं थोड़ा कैटफिश को डाल देता हूँ पकने के लिए और पोटैटो को खा लेता हूँ थोड़ा सा क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगने वाला है मेरे को। और मैं एक एक चीज़ों को शिफ्ट करने वाला हूँ इधर से एक एक करके इधर प्लैंक्स वगैरह था तो इसको कलेक्ट कर लेते हैं और कुछ गिफ्ट मिला है देख लेते हैं क्या मिला है। और एक फ्लैग मिला है और फ्लैग ठीक है नेशनल फ्लैग मिला है कोई बात नहीं। और ये जो है इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ थोड़ा सा और इसको मैं हटा के ऊपर लेके चलने वाला हूँ क्योंकि ये इधर की चीज़ नहीं है तो मैं इसको लेके चलूँगा ऊपर की तरीके से भाई की तरीके से ऊपर लेके। और ये हमारा घर है जहाँ पर मेरा बेड का हो कहाँ लगाऊँ मैं। और मेरे को ना मेरे को एक चीज़ करना है इन सारे जगहों पे ना विंडो करना है मैंने विंडो कढ़ाई नहीं है इधर एक डोर कर दिया था जिससे कि हम बाहर जा पाए इस साइड को देख सकते हो प्यारी सी सुबह हो रहा है। और साथ ही साथ मैं बताऊँ कि मेरे को विंडो करना है तो मैं देखो चीज़ें तो हमारे पास दिक्कत है नहीं ज़्यादा और मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारा विंडो लगाओ क्योंकि विंडो लगाएंगे तो देखने में अच्छा खासा लगने वाला है एक गैप पे एक लगा देता है भाई। और मैं सोच रहा हूँ कि विंडो विंडो लगाने के लिए क्या चाहिए विंडो चाहिए और एक लग गया सिर्फ भी लग गया तो फाइन अरे ऊपर टूट गया अरे भाई साहब इतना ज़्यादा नुकसान कोई बात नहीं हमारे पास तो चीज़ें ऐसे मिल जा रहा है मेरे को। और मैं खुद देखो देखो भाई क्या मिल रहा है भाई सामने मेरे को इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छी खासी काम हो गया मेरा मेरे को वो चाहिए तरह बहुत सारा दिक्कत है नहीं मेरे पास अभी। और तो मैं तुरंत चलता हूँ उस चीज़ को पूरी तरीके से फिल अप करता हूँ कितना है हमारे पास ज़्यादा और इधर नहीं है कहाँ था इधर था मतलब कभी जरूरत पड़ने वाला ठीक है ना और जिसमें कि प्लैंक्स चाहिए था बताना चाहिए प्लैंक्स कभी जरूरत पड़ने का। और
इस सब को मैं पूरी तरीके से ढक देता हूँ, ठीक है ना गाइस। तो ऊपर से ये वाला, अरे लग गया यार, लग गया गाइस, ये तो गलत बात था गाइस। मैं बहुत मेहनत से इसे बनाया था, जाएगा पता नहीं था, लग गया। ये वाला सर भी क्यों नहीं लग रहा है, तो लग गया था। ओ लगा। और खाना 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 चाहिए गाइस, खाना चाहिए, बिल्कुल भाई का दम हो गया है, हो जाना चाहिए। यस पक चुका है, मैं थोड़ा सा पॉइंट लूंगा भाई, बच गया। ओके ये तो होता है भाई, बच गया भाई। और मेरा मेनली घर का जो ये है इधर रखने वाले हैं, और डेकोरेशन करने वाला हूँ मैं इस जगह को पूरी तरीके से। और जैसे कि देख पा रहे हो, इधर से हम नाइट व्यू ले सकते हैं, और साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ कि इधर कर्टन्स वगैरह लगाया जाए। और कितना कैलेंडर एक तो बनाना पड़ेगा, नाल्स चाहिए, नेल्स चाहिए हम लोगों को गाइस। और साथ ही साथ मेरे को कर्टन्स वगैरह कहाँ मिलेगा भाई? ये है कर्टन्स, ठीक है ना, ये रोड वाला है शायद से, कि पता नहीं भाई। एक बना के ये देखते हैं, एक ये बना कर देखते हैं। अरे यार, तो फिलहाल इसको लगा लेते हैं इधर। ओ भाई ये सही है। और एक जो ये है ये लगा के देखते हैं ये कैसा लगेगा। ओ भाई दोनों ही खतरनाक है भाई, दोनों खतरनाक है। और मैं सोच रहा हूँ कि इन सारे चीजों को मैं कवर कर लूँ भाई, क्या ही करना है भाई। और भी डिजाइन भी करने वाले हैं एक एक करके, ये जगह को मैं पूरी तरीके से मेरे रहने का सीन बनाने वाला हूँ। और आज के इस वाले एपिसोड में हम लोग भाई परे से आइलैंड हमने छोड़, मैंने देखा नहीं था ना, मैं तो इधर काम करने में बिजी हूँ। रखा हूँ इसको, इधर नहीं लगाना मेरे को, इसको ऐसे लगाना है पता है, ऐसे करके वॉल पे लगाना है जिससे कि मैं बाहर का सीन्स देख पाऊँ। तो मेरे को लगाना है इधर, तो मैं करता हूँ इसको ना उल्टी करवा के उठा लेता हूँ, और मैं रोटी खा जा गाइस इधर लगा देता हूँ, तो अच्छा खासा देखने में लगेगा। और अगर जब सोएंगे तो इधर से ऐसे करके सो सकते हैं और उठ भी सकते हैं भाई, देख पा रहे हो। और साथ ही साथ बहुत ज्यादा चीजें मैं लगाने वाला हूँ, एक एक करके डिजाइन का सारी चीजें मैं लगाने वाला हूँ, टेबल्स वगैरह सब कुछ लगाने वाला हूँ। और साथ ही साथ मेरे को लैंप भी लगाना पड़ेगा, ये वाला लैंप, इसके लिए रूम चाहिए, ठीक है ना। और एक स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं कि कैसा लगता है, ठीक है ना गाइस। लगेगा ये इधर रहेगा, पीछे नहीं लग सकता है, ये ऐसे करके लाइट लगता है, ऐसे करके डिजाइन कर रहा हूँ। देखा यार ये लाल ड्रेस है, क्योंकि स्क्रैप चाहिए इसके लिए, जाएगा कोई दूसरी बात है नहीं। तो गाइस हम कैलेंडर भी बनाने वाले हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कितना दिन सरवाइव हो चुका है। तो मेरे को बहुत सारी चीजों को बनाना है, और ऊपर से सारी चीजों को इस घर में लेके आना है। और मेरे को इस साइड में ना मेरे को डिसाइड करना है कौन सी वाली साइड में मैं स्टोरेज रूम बनाऊँ, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा को मैं स्टोरेज में कन्वर्ट करने वाला हूँ। और ये जो एरिया बचा रहेगा इसमें मैं बनाने वाला हूँ गाइस, हमारा जितना भी ये रहेगा, क्या बोलते हैं उसे, मैं बता देता हूँ रहेगा। और मैं थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ, नहीं तो फिर से भूख लग जाएगा। तो ये जो जितना भी हमारे पास ये है, इन सब को मैं ना ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है ना। तो तुरंत स्मेल्टर को पकड़ते हैं और ऊपर लेके चलते हैं तुरंत, क्योंकि सारे स्मेल्टर जितना भी होगा हमारे पास वो सारे लगने वाला है इधर, एक एक करके, एक इधर लग गया, बहुत सारे स्मेल्टर लगाने वाले हैं जिससे कि हमें बहुत ज्यादा मेटलिंग वगैरह मिलता रहे, ठीक है ना। और मैं इस मेटलिंग से मतलब दो स्मेल्टर से इतना सारा चीजें बनाया हूँ, और इसको भी खा लेता हूँ और लेकिन करता। अरे ये तो बंद है, मैं भूल जाता हूँ भाई, मेरे को ये वाला तो बंद कर दिया, वो वाला बंद कर दिया। और इस इधर से चलते हैं, और ये वाला तो मैं इस साइड पे लगाने वाला हूँ इधर। तो दो दो लगा चुका हूँ गाइस, और जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो दो स्मेल्टर लग चुका है। और मैं इधर से इतना मतलब ये रन करने वाला हो इस तरीके से, ये स्टोरेज रूम रहेगा इस इधर, ठीक है ना। सारा स्मेल्टर इस हिसाब से बैठने वाला है जितना दूर बैठता है। और एक एक करके मैं ऑफलाइन एक एक करके डेकोरेशन करूंगा, और जैसे डेकोरेशन होगा मैं तुम लोग दिखाते रहूंगा।
और इधर जो रिसर्च टेबल है इसको मैं थोड़ा सा उठा के थोड़ा घुमा के लगाता हूँ अभी इस साइड को, जिससे कि ये देखने में अच्छा लगे, ठीक है ना। तो ये रहा, और ये जगह मैं पूरी तरीके से एम्प्टी करने वाला हूँ। और इधर देखो ना, मैंने एक कूपन लगा के रखा हूँ इधर के लिए, और ये रखा हुआ है, और बहुत सारी चीजें मैं लगा के रख रहा हूँ एक एक करके। और मेरे को अगले वाले एपिसोड में अंदर, मैं तुम लोगों को तो दिखा दिया क्या क्या मैंने बनाया हुआ अभी, और अगले वाले एपिसोड के अंदर मैं बनाने वाला हूँ गाइस रिसीवर। और मेन मेन काम जो है, जो करता है ये रिसीवर और एंटेना, ये दो चीजों को बनाने वाला हूँ, जिसमें सर्किट बोर्ड चाहिए बहुत सारा, ठीक है ना। दो दो सर्किट बोर्ड चाहिए चाहिए, एक में दो चाहिए, एक में एक चाहिए, ठीक है। दो दो तीन सर्किट बोर्ड चाहिए, और इसको तीन बनाना पड़ता है। और ये जो है ये क्या है, फिलहाल मेरे पास मेरे को एक पायरेट वाला, अगर ये मिलता तो बहुत ज्यादा मजा आता। ये बना सकते हैं गाइस, और लैंड वगैरह जितना भी है, लैंड वगैरह जो जो चीज हम बना सकते हो हम बना कर डिजाइन करेंगे एक एक करके इधर। और अगले वाले वीडियो के अंदर हम लोग गाइस जरूर से ये बनाने वाले हैं, जिससे कि हमारा क्राफ्ट का स्टोरी आगे बढ़ता रहे, क्योंकि इधर मिल रहा था हमें स्टोरी लाइन, जो कि जैसे कि देख पा रहे हो स्टोरी नंबर 2 पे हम भी अटका पड़े हैं अभी, ठीक है ना। फर्स्ट पेज पे ही अटके पड़े हैं, फर्स्ट पेज है जो कि सर्वाइवल का रूल्स होके रखा है कि तुम्हें काम वगैरह करना है, क्या क्या करना है, पता है। तो फिलहाल मैं अभी आज के इस वाले एपिसोड को इधर ही एंड करने वाला हूँ गाइस, और मिलते हैं अनदर एपिसोड के साथ, जहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ अगले वाले एपिसोड। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि मैं ठीक इधर इसको बैठा हूंगा, और इधर लगा है कि हमारा स्टेयरिंग व्हील को, स्टेयरिंग व्हील वगैरह सब कुछ मिलता है इस गेम के अंदर मिलता है। तो साथ ही साथ हमने बनाने वाले हैं गाइज थोड़ा सा मारने के लिए चीजें, जैसे कि तुम्हें मैं दिखा देता हूँ, हमारे पास बहुत सारे आइटम्स है, जैसे क्रॉप फ्लॉट्स ये वगैरह सारी चीज हम एक एक करके बनाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगर वीडियो के साथ गाइस, तो आज के लिए इतना ही। तुम लोग चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा अमेजिंग अमेजिंग वीडियो ऐसे आता रहेगा एक एक करके। तो मिलते हैं अगर वीडियो के साथ, बाय बाय गाइस, बाय।